हेलो फ्रेंड, तो सभी को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में आप जान ही गए कि क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मैंने ऐसो किस तरह से 3 मंथ्स में केवल ऐसो 3 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है और बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी है, ठीक है। तो ये ऐसो जो वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिन के बाद ऐसो फेस कैम वीडियो है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ऐसो हम अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसो किसी वीडियो में ऐसो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया है। तो चलिए पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। तो मेरा नाम है सो निरंजन कुमार है और मैं है सो झारखंड राज्य के पलामू जिले से आता हूँ, ठीक है। पलामू जिला में मैं निवास करता हूँ और यहाँ पर मेरा जो गांव है वो है मझगांवा, ठीक है। तो क्लास 5 से सो 10 तक है सो मैं डाल्टन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई किया हूँ, ओके। और ये मेरा है सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 3 एग्जाम थे जो कि मैंने क्रैक किया है सिर्फ 3 मंथ्स में, ओके, और किस तरह से मैंने किया है, और आप भी मोटिवेशन ले सकते हैं इससे, ओके। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह से मैंने सो 3 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है इतने कम समय में, ओके। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की तैयारी ऐसे इस चैनल पर होते रहता है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी सो जैक बोर्ड का इस वर्ष एग्जाम दिया हूँ, ठीक है। क्लास 10th का जो जैक बोर्ड होता है तो उसका एग्जाम है सो मैं इसी वर्ष दिया हूँ, ओके। और मेरा जो परसेंटेज आया है वो है सो 93.20% आया था, ठीक है, अच्छा ही परसेंटेज आ गया था, ओके। तो ये मेरा सो क्लास 10th का सो क्वालिफिकेशन रहा। मैं सो इस वर्ष ही एग्जाम दिया हूँ आप लोगों के साथ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाया भी हूँ, ओके, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आकांक्षा का हो गया या फिर संजीवियर का हो गया या फिर एक और जो एग्जाम था पॉलिटेक्निक का, तो झारखंड पॉलिटेक्निक का भी मैं तैयारी कराया हूँ। इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, ओके। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी फाइनली हो चुका है और मैं भी है सो इन्हीं 3 एग्जाम को है सो इस बार दिया था और तीनों एग्जाम है सो मैंने क्रैक कर लिया है। ये तीनों एग्जाम है सो हार्ड तो नहीं था लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि साथ में आपको वीडियो भी बनाना रहता है। मैंने है सो इन्हीं 3 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है सिर्फ 3 मंथ्स में, ओके, और 3 मंथ ही टाइम है ही था, ठीक है। लगभग जो एग्जाम खत्म हुआ था वो मई में शायद खत्म हुआ था एग्जाम, ठीक है, बोर्ड का। इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 जो मंथ थे, इन्हीं 3 मंथ में तो मैंने ये सारे एग्जाम को दिया और फाइनली रिजल्ट भी सबका आ गया है, ओके। तो जो मैं फाइनली जो चूज किया हूँ, यहाँ पर हमको जाना है, तीनों जगह तो नहीं जा सकते, ओके, पॉलिटेक्निक में भी नहीं जा सकते हैं, न संजीवियर में जा सकते हैं, न आकांक्षा में जा सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो जो मेरे को जाना है वो फाइनली मैंने जो चूज किया है वो है आकांक्षा का, ठीक है। तो आकांक्षा में मैं जाने वाला हूँ फाइनली। मैं सो मेडिकल स्ट्रीम से भरा था इस फॉर्म को, ओके। तो मेडिकल स्ट्रीम में जितने भी मेरे दोस्त हैं तो मैं भी है सो आकांक्षा पोटी में सो एडमिशन लेने वाला हूँ, ओके। तो मिलते हैं आकांक्षा में अच्छे से, ओके, चलिए। और देखिए अभी तक पॉलिटेक्निक का जो है सो काउंसलिंग भी नहीं स्टार्ट हुआ है। हमको लगता है कि जो सितंबर का 1st वीक है उसी में सो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका तो बहुत लेट कर देगा, तो इसलिए हमको इसमें नहीं जाना था क्योंकि बहुत लेट कर रहा है, ठीक है। अगर लेट नहीं करता तो मैं पॉलिटेक्निक में ही जाने का सोच रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है ये पॉलिटेक्निक वाले जो भी हैं, पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे हैं, ओके। तो हमको ऐसे पॉलिटेक्निक में जाना था लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा लेट हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा आकांक्षा में जा रहे हैं। आकांक्षा भी अच्छा ऑप्शन है, ओके, वहाँ पर ऐसा सब कुछ फ्री ही रहता है एक तरह से मान लीजिए तो, ओके। और जहाँ संजीवियर का बात, संजीवियर में ऐसा बहुत फी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वहाँ पर रहने का और खाने का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए हम ऐसो आकांक्षा में जाने का फाइनली ऐसा डिसीजन ले लिए हैं, ओके। तो आकांक्षा में मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों का ऐसो क्रैक हो चुका है आकांक्षा, तो वहीं पर मिलते हैं, ओके। और बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे से ज्वाइन हैं, मेरे साथ अभी भी ज्वाइन होकर के बातचीत करते हैं, ओके, ग्रुप में। देखिए बहुत सारे बच्चों ने ऐसो जब एग्जाम नहीं हुआ था आकांक्षा का, तो उस समय ऐसा बहुत सारे बच्चों ने पूछा था क्या आप आकांक्षा के मतलब स्टूडेंट हैं, तो हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को बोला भी था कि हाँ हम आकांक्षा के विद्यार्थी हैं, लेकिन हम आकांक्षा के विद्यार्थी नहीं थे, ओके। तो मैंने ये झूठ बोला था कि मैं आकांक्षा का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं ऐसा आप आज फाइनली ऐसा आपके सामने कॉन्फेशन करना चाहता हूँ कि हम आकांक्षा के विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऐसा सिलेक्शन फाइनली हुआ है, ओके। मैंने कितना भी झूठ बोला हूँ लेकिन आप लोगों का जो तैयारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त कराया है मैंने, और बहुत सारे बच्चों का ऐसा सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। आप कॉमेंट भी देख सकते हैं कि किस तरह से कमेंट किए थे बच्चों ने, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट किया कि आपके चलते है सो मेरा ऐसा सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। देखिए सभी बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उन बच्चों का ये सीट पैसा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है,
हम जो पढ़ाए उससे, ठीक है। तो ये देखिए, हम है सो जो भी मतलब तैयारी कराए हैं वो है सो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर हम कराए हैं, ओके। और उसी से है सो क्वेश्चन भी आया था, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन है सो फाइनल हो चुका है आकांक्षा में, तो वहीं पर हम भी आने वाले हैं, ओके। तो इन तीन एंट्रेंस को मैंने किस तरह से क्रैक किया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला जो मैंने फॉर्म भरा था वो है सो आकांक्षा का ही था, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्म भी आया था वो आकांक्षा की शायद आया था, इसके बाद पॉलिटेक्निक आया था, तो इसके बाद संजीवर का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फॉर्म भरा था। आफ्टर ये मेरा है सो जो फॉर्म भरने का जो डिसीजन था वो है सो दो ही था, सिर्फ पॉलिटेक्निक और आकांक्षा का, ठीक है। पहले ही से मैं वीडियो भी देखता था बहुत सारे चैनल पर, ठीक है, आकांक्षा में इस तरह से पढ़ाई होता है, इस तरह से होता है, बहुत अच्छा भी पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा फैसिलिटी भी प्रदान किया जाता है, तो मैं पहले ही से ये सब वीडियो देखता था, ओके। और जब बोर्ड एग्जाम मतलब फाइनली हो गया, इसके बाद ऐसा हम एक महीना तक ऐसा मस्ती किए पूरा, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा फाइनली ऐसा आकांक्षा का जो तैयारी होता है उसका हम तैयारी स्टार्ट किए एक महीना बाद, ठीक है। जब बोर्ड का एग्जाम हो गया, इसके बाद ऐसा एक महीना बाद ऐसा हम फाइनली स्टार्ट किए आकांक्षा का तैयारी। इसके बाद मेरे माइंड में आया कि क्यों ना हम ऐसा बहुत सारे बच्चों का भी हेल्प भी कर हो जाएगा और हम भी ऐसा अच्छे से रिविजन कर पाएंगे, ओके। तो इसीलिए मैं ऐसा यूट्यूब पर आया फाइनली और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया। तो इस तरह से हम ऐसा आकांक्षा का तैयारी किए, आप लोग को वीडियो भी अपलोड किया, साथ में मैं खुद ऐसा पढ़ाई किया, जितना वीडियो अपलोड किया उतना ही मैं पढ़ा, और उसी से ऐसा मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया था, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था आकांक्षा का उसमें तो मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन जो सेकेंड एग्जाम था उस समय ऐसा थोड़ा सा मेरा फोर्थ रैंक शायद आया था, झारखंड में फोर्थ रैंक आया था मेडिकल में, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, फोर्थ रैंक आया था मेरा फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है। लेकिन सेकेंड एग्जाम में है सो मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, अच्छे से तैयारी भी नहीं किया, इसीलिए मेरा जो रैंक आया है वो है सो 22वां रैंक मेरा शायद सिलेक्शन हुआ है सेकेंड एग्जाम में, ठीक है। मेरे को तो नहीं लग रहा था कि सेकेंड एग्जाम है सो मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि सेकेंड एग्जाम का जो तैयारी था वो है बहुत कम ही किया था, ओके। बहुत कम वीडियो मैं भी डालूंगा सेकेंड एग्जाम में, लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम मैं जो तैयारी किया था बहुत ही धाकर तरीके से किया था। फर्स्ट एग्जाम तो मेरा क्रैक हो गया था आकांक्षा का, लेकिन सेकेंड एग्जाम में ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आया, इतना ज्यादा माइंड पर प्रेशर आ गया, तो क्या कहूँ, वीडियो भी बनाना है साथ में। इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब 10 दिन तक तो मैं तो कुछ नहीं किया इस सेकेंड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा फाइनली ऐसा सोचे कि नहीं कुछ तो तैयारी करना ही पड़ेगा सेकेंड एग्जाम के लिए भी। इसके बाद ऐसा 5-6 वीडियो ऐसा सेकेंड एग्जाम पर भी मैंने बनाया था, और वही तैयारी मेरा रहा, और जो फर्स्ट एग्जाम में जो मैं तैयारी किया था वही है सो काम आया फाइनली, और उसी से ऐसा मेरा सिलेक्शन हुआ सेकेंड एग्जाम में भी, 22 रैंक मेरा शायद आया है सेकेंड एग्जाम में, ओके। तो आप देख भी सकते हैं मेडिकल में मेरा ऐसा 22 रैंक आया था सेकेंड एग्जाम में। तो देखिए आप है सो यहाँ पर एक सीख सकते हैं कि आप प्रेशर कभी भी मत लीजिएगा, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम आ जाए आप प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर एक बार अगर ले लेते हैं तो उससे सो आपका एंजाइटी क्रिएट होता है, और आपके माइंड में सो थोड़ा बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगता है कि क्यों नहीं हुआ, मेरा तैयारी इतना कम है, इस तरह से मैं आगे करूँगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और आपको ऐसे मतलब एक तरह से माइंड में इस तरह से आएगा कि आप तो सब कुछ छोड़ दीजिएगा। तो आप प्रेशर कभी मत लीजिए, आप उस एग्जाम से डर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप प्रेशर कभी भी मत लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जाए आप उसका प्रेशर नहीं लीजिएगा, नहीं तो आप जितना भी याद भी किए हैं वो भी भूल जाइएगा, ओके। तो ये है सो मैं पहला सीख लिया था, और जो मैं कंसिस्टेंसी जो कहता हूँ, कंसिस्टेंसी है सो मेरा नहीं रहा, ठीक है। कभी भी मैं सो एक महीना से ज़्यादा ऐसे लगातार पढ़ाई नहीं किया हूँ, जब भी मैं पढ़ाई किया हूँ एक महीना के बाद सो मैं छोड़ दिया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सो एक महीना भी कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते हैं, अगर आप एक महीना सिर्फ कंसिस्टेंसी कर देते हैं तो आप ये सब एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप कंसिस्टेंसी रहते हैं तो आप कोई भी एग्जाम को ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंस है आप पढ़ाई कीजिए कोई भी एग्जाम को अगर निकालना है तब, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सारा एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए 2 महीना ही कंसिस्टेंसी काफ़ी है, और आप 2 महीना जो पढ़िएगा वो है दिल से पढ़िएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो भी बच्चे हैं सो 2023 में आकांक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए सजेशन वही है कि आप है सो बोर्ड एग्जाम अच्छे से है सो पढ़िए, ठीक है। अभी उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो आकांक्षा का जो एग्जाम होगा उसका टेंशन मत लीजिए, आप तो सबसे पहले ऐसे बोर्ड पर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आप बोर्ड पर सबसे पहले अच्छे से फोकस कर लेते हैं, इसके बाद है सो आप है सो आराम से है सो 1 से 1.5 महीने में सो आराम से है सो आप अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 महीना काफ़ी होता है इस एग्जाम के लिए, ओके। तो मैंने सो 3 महीने में सो सिर्फ 3 एंट्रेंस एग्जाम को निकाला है, ओके। तो तीनों का देख सकते हैं प्रूफ, पहला तो आकांक्षा का देख सकते हैं, और ये रहा आपका है सो
यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यह संजीवर का है और ये एक और जो रहा यह सब आपका पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो आप तीनों का देख सकते हैं, तीनों का आपको प्रूफ दिखा दे रहे हैं कि मैंने किस तरह से तीन एग्जाम को क्रैक किया है। मैं ऐसे ज़्यादा नहीं पढ़ता था, दिन भर में सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पढ़ता था, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता था, ठीक है, ये तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा फ़ोन के साथ था वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा जो 3 महीना में जो मैं किया हूँ वो फ़ोन के ही चलते मैं कर पाया हूँ, ठीक है। स्मार्टफोन का भी ऐसा जो यूज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसे उसको स्ट्रीम में कोई भी चीज़ नहीं कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आप चीज़ करते हैं तो वो स्ट्रीम अगर चल जाता है तो वो बुरा ही होता है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप करते हैं तो उसको स्ट्रीम में लेकर के नहीं जाइए, ठीक है। आप चाहे मोबाइल चलाते हो या फिर पढ़ाई करते हो या फिर खेल करते हो, कहीं पर दोस्तों के साथ घूमते हो, तो आप स्ट्रीम में कोई भी चीज़ नहीं कीजिए। आप ऐसे एक तरह से बैलेंस बना करके ही आप कीजिए, तभी अच्छा रहता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अपना हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस समय, ओके। तो इस तरह से आप ऐसे अच्छे से इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। अगर आप क्लास 10th के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सजेशन है, ठीक है। तो आप प्रेशर पहला तो नहीं लीजिएगा, ओके, आप आराम से सही से पढ़िए और कंसिस्टेंस रहिए, ओके। कभी कभी कंसिस्टेंसी ऐसा टूट भी जाता है तो उस पर कोई टेंशन नहीं लेना है कि हम ऐसे बीच में नहीं पढ़े 1 महीना, तो उस पर टेंशन लेकर के प्रेशर नहीं लेना है। आपको ऐसे उसको कम कैसे करना है वो सोचना है, ठीक है। तो वो सब ऐसे हो जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो जो सेकेंड एग्जाम जो हुआ था वो ऐसे पॉलिटेक्निक का हुआ था, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक में हम ऐसे प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हमसे हम कर लिए थे, और मेरा है सो 100 क्वेश्चन में सो मेरा सिर्फ 90 से अबव मतलब हमेशा आता था, जब भी हम ऐसे टेस्ट देते थे तब, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे तो 90+ मेरा ऐसा हमेशा आता था 100 में, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रैंक आता था। लेकिन जब हम ऐसे एग्जाम में बैठे पॉलिटेक्निक का, तो वहाँ पर ऐसा 9th क्लास का ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया, और मेरा जो फाइनली मार्क्स आया था वो ऐसे 75 लगभग आया था, 160 में, नहीं सॉरी 150 का ही था, ठीक है। पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है 150 का ही होता है, आकांक्षा का 160 का होता है। तो 150 में मेरा 72 मार्क्स सिर्फ आया था, ठीक है। तो 72 मार्क्स ही हम ला पाए थे, लेकिन फिर भी मेरा रैंक जो आया था पॉलिटेक्निक में, तो यही मेरा ऐसा CML रैंक था, ठीक है, 711 या 712 होगा, तो यही मेरा ऐसा पॉलिटेक्निक में CML रैंक भी आया था। तो इसमें भी हम जा सकते थे, लेकिन इसका सेशन बहुत लेट हो रहा था, इसीलिए हम इसमें नहीं जा पाए, ठीक है। और रहा संजीवर का, तो संजीवर का रैंक तो उसे नहीं पता, लेकिन मेरा पहला लिस्ट में तो सिलेक्शन हो चुका था, ठीक है। मैथ से भरा था, मैथ सब्जेक्ट में ऐसे संजीवर में भरा था, वो भी ऐसे सिलेक्शन हो चुका था फर्स्ट लिस्ट में, ओके। तो संजीवर के लिए मैं ऐसा कोई भी तैयारी वैसे नहीं किया था, क्लास 10th का ही सो मैं अच्छे से रिवीजन किया था एक बार फिर से, जो मेरे पास नोट्स थे उसी से ऐसा मैंने रिवीजन किया था क्लास 10th का ही, उससे ऐसा मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया था संजीवर में, ठीक है। तो संजीवर में ऐसा कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसमें आसानी क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन था टोटल, और एक क्वेश्चन है सो 4 मार्क्स का था, तो 160 नंबर टोटल था, उसमें से मेरा सो 125 नंबर आया था, ठीक है। 125 नंबर मेरा संजीवर में आया था, तो वहाँ भी सिलेक्शन ऐसा मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही हो गया था। तो ये मेरा ऐसा जर्नी था 3 मंथ का, ठीक है, आफ्टर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड के लिए मैंने क्या किया था, मेरा 93% आया था, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, तो देखिए इस बार जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। क्लास 10th का तो मैं अच्छे से पढ़ा ही था, ठीक है, मैं वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ, ओके, मैं एवरेज बच्चा ही हूँ, मतलब जो भी पढ़ाया जाता था स्कूल में वो सिर्फ ऐसा मैं अच्छे से होमवर्क करता था, जो स्कूल से होमवर्क मिलता था वो तो मैं करता ही था, लेकिन साथ में मैं हंसो जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, साइंस में बहुत अच्छा लगता था, साइंस का जो सब्जेक्ट था उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता था। क्वेश्चन कभी भी मैंने याद नहीं किया है, ठीक है, साइंस का स्पेशली, तो जो साइंस का जो भी कॉन्सेप्ट होता था या मैथ का भी, तो ये ज़्यादा हम हंसो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते थे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था तब तक हम आगे नहीं बढ़ते थे, ठीक है। तो क्लास 10th में आप ऐसे ही पढ़िए, ठीक है। देखिए मॉडल पेपर तो लास्ट में आता ही है, तो उससे ऐसा आपका मार्क्स जो बढ़ाने का वो आइडिया है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आपको 11th 12th में भी दिक्कत नहीं होगा। तो 11th 12th का देखते हैं क्या होता है, अभी तो हम स्टार्ट भी नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे भैया लोग बोलते हैं कि अगर आप 10th और 9th अच्छे से पढ़े हैं तो आपका जो 11th 12th है वो भी ऐसा आसानी से अच्छे से पार कर पाइएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, नॉलेज ऐसा गेन करने के लिए ऐसा पढ़िए, मार्क्स के लिए नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं तो आपका सो अच्छा ही परसेंटेज आएगा। जो 1 महीना बचता है बोर्ड एग्जाम से पहले, उससे पहले तो आप
प्रीवियस सब्सक्रिप्शन जितना भी रहता है, अगर मॉडल आया है, अगर उस वर्ष से अगर मॉडल आ गया है तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे मॉडल से जो भी सेट मतलब क्वेश्चन किया है मॉडल में, उस तरह का क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एक महीना में, तो आपका जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी मतलब मॉडल आता है एक महीना पहले जरूर किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम तो सब पढ़ लिए हैं मॉडल नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अगर मॉडल अगर आप एक बार कर लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छाप देता है। इस बार तो ऐसा ही हुआ है, ओके। तो अगर आप मॉडल कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है, तो उस तरह से आप ऐसे अच्छे से लिख पाते हैं। तो आपको मॉडल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, ओके। अगर मॉडल नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया मिल पाए कि किस तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है और आप उसी तरह का क्वेश्चन ऐसा लिखने का प्रयास कर पाए, ठीक है। तो वो सब ऐसा अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं और एक महीना पहले ऐसा ये सब कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज ऐसा 80 पार ऐसा कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। तो इस तरह से आप ऐसा बोर्ड का जो एग्जाम है वो ऐसा आराम से क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यही सब ऐसा टिप्स आपके लिए है, ओके। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और हम ऐसे बहुत जल्द है तो आकांक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। 2 तारीख को ऐसा बुलाया गया है, 2 सितंबर को, और 3 सितंबर से ऐसा आपका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो चलिए वही मिलते हैं आकांक्षा में, ओके। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना था, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है तो आप ऐसे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब है सो हम कमेंट में दे देंगे, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए अगर कोई अगर पलामू के विद्यार्थी हैं तो आप ऐसे मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे बारे में जानने को मिला होगा, ओके। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, ओके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2023 में किस तरह से आकांक्षा की तैयारी करना है उस पर भी वीडियो आएगा अच्छे से, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।